रांची के जेएससीए स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मैच होना है, लेकिन मैच के आयोजन पर ही संकट के बादल गहरा गए। असल में 19 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मैच में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची जेएससीए यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दी गई थी। एसोसिएशन को खिलाड़ियों के लिए रांची के 5-स्टार होटल में 75 कमरे भी बुक कराने थे, लेकिन इसी बीच यानी 18-19 नवंबर की तारीख में रांची के इकलौते 5-स्टार होटल रेडिशन ब्लू में जहानाबाद में कार्यरत 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर ने अपनी शादी के लिए 20 कमरे बुक कराए हुए थे। ऐसे में बीसीसीआई के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए होटल में बायो बबल जोन बनाने का भी निर्देश जेएससीए को दिया था। बायो बबल में खिलाड़ियों के अलावा होटल में किसी भी दूसरे व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं होती। पूरी कोशिश खिलाड़ियों को किसी बाहरी के संपर्क में आने से रोकने की होती है, लेकिन पहले से बुक होटल के कमरों के बीच अब रेडिशन ब्लू के सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर देवाशीष मामले को सुलझाने में जुटे हैं। शादी का सीजन है और सिटी में ऑक्यूपेंसी हाई है, तो उसमें अरेंजमेंट किया जा रहा है। स्टेट की प्रेस्टीज का बात है और काफ़ी समय बाद इंडिया का मैच आया है, इंटरनेशनल मैच, तो हम लोग लगे हुए हैं एंड वी आर होपफुल। तो इन सम टाइम्स देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों में माना जा सकता है गेस्ट कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं सर? अब ये डिसीजन गेस्ट के लिए भी आसान नहीं है, बट इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, तो कुछ दिनों में आपको जल्द से जल्द एक सोल्यूशन नजर आएगा। लेट्स सर, 19 तारीख को होटल पूरा बुक है, इसी वजह से खिलाड़ी को रुकने में परेशानी होगी, तो इसके वजह से हो सकता है कि मैच पे कुछ फर्क पड़े। संभवतः ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बट इसके लिए होटल और होटल का मैनेजमेंट सब लोग लगे हुए हैं और ये प्रयास कुछ अच्छा रिजल्ट आए तो वेट कर रहे हैं हम लोग इसके लिए। इधर अपनी शादी को लेकर चर्चा में आई आईएएस अधिकारी कुछ जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। स्थानीय अखबारों में खबर छपी है कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई अधिकारी के खर्चों को देखते हुए उन पर नजर बनाई हुई है। हालांकि हमने जब अपराध इकाई या खुद अधिकारी से इस संबंध में जानना चाहा तो उनका कोई जवाब नहीं आया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि आईएएस ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है और बीसीसीआई को इस संबंध में होटल प्रबंधन ने जानकारी भी दे दी है। रांची से आकाश कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।